श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। आप इस शनिवार कार्तिक माह का जो यह शनिवार आ रहा है, इसमें आप एक छोटा सा उपाय करें। आप जो भी मनोकामना लेकर यह उपाय कर रहे हैं, आप देखना आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक दीपक प्रज्वलित करना है। वह कैसे करना है आप इस वीडियो में देखिए और अवश्य कीजिए। आप श्रद्धा एवं विश्वास के साथ आप एक दीपक में घी ले लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए और तुलसी जी की डाल तना जो होता है आप देख लीजिए। यदि सूखा मिल जाए, यदि आपकी तुलसी जी में कोई दाल सूख रही है तो आप उसमें थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लीजिए। जैसे लंबी बाती होती है उस साइज का, उतना ही बड़ा चाहिए अपने को। आप उसे सुबह से घी में भिगो के रख दीजिए, थोड़े से घी में उस तुलसी जी की दाल को भिगो के रख लीजिए। और शाम के समय, जब शाम को आप तुलसी जी में दीपक लगाते हैं, उस समय आप दीपक में जिसमें घी लिया है उसमें वह बाती की जगह जो आपने तुलसी जी की डंडी ली है वह ले लें। उसे लेकर आप मंदिर में कर सके तो मंदिर में, यदि आपके यहाँ भी लड्डू गोपाल हैं तो आप इस दीपक से जो आपने तुलसी जी की डंडी से बनाया हुआ है, आपको घी इतना रखना है कि डंडी पूरी तरह से डूबी रहे। क्योंकि जैसे रुई की बाती तो आराम से जल जाती है, लेकिन तुलसी जी की जो डंडी की बाती होती है थोड़ी मुश्किल जाती है। इसीलिए पहले कहा गया है कि आप उसे घी में भिगो के रखें। यह कार्य आप सुबह भी कर सकते हैं, सुबह ज़्यादा उत्तम है। और यदि नहीं कर पाए किसी कारण से तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। आप मंदिर में करना चाहें तो मंदिर में, नहीं तो घर में आपके ठाकुर जी विराजमान होंगे या लड्डू गोपाल, आप उनके सामने इस दीपक से आरती कीजिए। आप देखना, आप जब आरती करते हैं, हथेली में लेके दीपक से आरती करते हैं, जब आपको अपने मन में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो बोलना है। इतना करने के बाद आप देखना आप कैसे दिन बदलने लगते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप ये कार्य अवश्य करें। साथ में श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत जरूरी है, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। आप और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।